कि क्या ये लोग सच में जनप्रतिनिधि कहलाने के लायक हैं या नहीं। हाम्रो देशको राष्ट्रगीत हामी सबै थुनका थुनका नेपाली सबै हामी एउटै तराई पहाड मधेसी सबै हामी एउटै परिवारको मान्छे हो। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको अपने ही देश का राष्ट्रीय गान पता है या नहीं? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसे बेवकूफ़ी भरा क्वेश्चन आप लोगों से मैं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आज के डेट में नेपाल में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है और नेपाल के सोशल मीडिया यूज़र्स तेज़ी से इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं कि नेपाल के जनप्रतिनिधि लोगों को, जो नेपाल के मेयर उप मेयर वार्ड अध्यक्ष लोग जो अभी के हाल के जो चुनाव में निर्वाचित हुए हैं, उन लोगों को ये तक पता नहीं है कि नेपाल का राष्ट्रीय गान क्या है। तो बड़ी शर्म की बात है ये। हाँ, एक तरीके से हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं जो अनपढ़ रहते हैं, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको पता ना हो, आम जनता के कुछ ऐसे वर्ग हो सकते हैं। जनरली तो हर एक जो देश के वासी है उन सभी को ये चीज़ याद रहना चाहिए यार, प्राउड की बात है, गर्व की बात है। अब आप ही लोग ये वीडियो देखिए और विचार कीजिए कि क्या ये लोग नेपाल से प्यार कर सकते हैं, जो लोग देश का सबसे बड़ा चीज़ है जिससे आपका एक अलग पहचान मिलता हो राष्ट्रीय गान, वो चीज़ ही नहीं याद है, वो लोग वो व्यक्ति नेपाल के प्रति ईमानदार कैसे हो सकते हैं? इतना गैर जिम्मेवार व्यक्ति कैसे कोई हो सकता है कि अपने देश का राष्ट्रीय गान तक याद ना हो और वो नेता बन गया हो? वो क्या खाक नेपाल का विकास करेंगे और नेपाल के लिए सोचेंगे? जिंदगी भर तो वो लोग पार्टी का झंडा लेकर घूमे हुए हैं, तो देश के प्रति प्यार कहाँ से आएगा? देश के प्रति उसी को प्यार आ सकता है जो पार्टी का नहीं नेपाल का झंडा लेकर घूमता हो। दोस्तों पहले ये वीडियो आप लोग एक बार देख लीजिए और खुद ही डिसाइड कीजिए कि क्या ये लोग सच में जनप्रतिनिधि कहलाने के लायक हैं या नहीं। देखिए वीडियो। कार्यक्रम को बसाई अनि खुवाई कस्तो थियो? जम्मै ठीक छ, जम्मै राम्रो थियो, राम्रो छ। एउटा कुरा बताउनुस्, कार्यक्रम सुरु हुनु भन्दा अगाडि एउटा राष्ट्रिय गान पनि बजाए थियो है? बजाए थियो। त्यो राष्ट्रिय गान के हो बताइदिनुस् न। हाम्रो चाहिँ यो थियो, के हो राष्ट्रिय गान? ढुङ्गा फुल थियो त्यो। ढुङ्गा होइन, हजुर नेपाली हो अलि मेयर साहब भन्न सक्नु भएन, ठिक छ, म अन्त्य जान्छु। यो ढुङ्गा पुल कहामी एउटै महा नेपाली, माला नेपाली, माला नेपाली, ठिक छ। कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, मेयर साहब बिर्सिनु भयो। राष्ट्रिय गीत, राष्ट्रिय गीत याद छैन अहिले। तपाईँ कुन नगरपालिका? म लाहान नगरपालिका। लाहान नगरपालिकाबाट कुन पद हुनुहुन्छ? म उपप्रमुख। उपप्रमुख हुनुहुन्छ। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, राष्ट्रिय गीत सुन्नुभएको थियो नि, राष्ट्रिय गीत के हो? राष्ट्रिय गीत भन्ने हाम्रो को देशको एउटा राष्ट्रिय धुन हो, राष्ट्रियतालाई झल्काउँछ होइन, राष्ट्रको हाम्रो एउटा धुन भनेको विश्वलाई चिनाउने एउटा हाम्रो चिन्हारी पहिचान हो, पहिचान हो, स्वाभिमान हो, स्वाभिमान हो। एकचोटि राष्ट्रिय गीत के हो हाम्रो देशको भनिदिनुहोस्। सयो थुन सयो थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली, हिमाल तराई पहाड कोही छैन, यो गीत होइन सर, यो गीत होइन। हस् धन्यवाद। कार्यक्रममा राष्ट्रिय गान सुरु भएको थियो नि, सुन्नुभयो? के हो हाम्रो देशको राष्ट्रिय गान? हाम्रो देशको राष्ट्रिय गान, हाम्रो देशको राष्ट्रिय गान फुल हाम्रो चाहिँ हामी एउटै माला नेपाली भन्ने सब त्यही हो, अरू भन्ने मलाई अहिले याद भएको छैन कि। तपाईँ कुन नगरपालिकाको मेयर हो? पलचरौता नगरपालिका। हाम्रो देशको राष्ट्रिय गीत के हो?
जिला बारा राष्ट्रीय गीत के हो राष्ट्रीय गीत कालना म राष्ट्रीय गीत सोधी रहेछु तपाईको एड्रेस हैन राति राति फुनका वहाँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ सजाउ फुनका सजाउ फुनका यो हाम्रो राष्ट्रीय गीत हो भनेको जनताको लागि नै काम गर्ने हो अब जे चुनौती चाहे जतिसुकै होस् त्यो हामीले स्वीकारेर जनताको बिचमा काम गर्ने छ हाम्रो देशको राष्ट्रिय गीत के हो हजुर हाम्रो देशको राष्ट्रिय गीत हामी सबै थुन्का नेपाली सबै हामी एउटै तराई पहाड मधेसी सबै हामी एउटै परिवारको मान्छे हो त्यो समितिले राखेको छ सायद बडो दुःख छ सर यो हाम्रो राष्ट्रिय गीत होइन उपप्रमुखजी हुनुहुन्छ हजुर हाम्रो देशको राष्ट्रिय गीत के हो सयो थुङ्गा फुल्का हामी सुनाइदिनुहोस् न सयो फुल्का थुङ्गा हामी के अरे सयो थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाल राष्ट्रपति मेरो के आवाजै आएन त सयो थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली राष्ट्रपति कोटि कोटि सम्पदा छ ज्ञान भूमि शान्त भूमि तराई पहाडीमा ज्ञान सर्वभौम फैलिएका मेची शकुन्तला देवी उपप्रमुख हुनुहुन्छ हाम्रो देशको राष्ट्रिय गीत के हो राष्ट्रिय के हो नेपाल हो नेपालको राष्ट्रिय गीत काठमाडौँ हो काठमाडौँकै बताइदिनुहोस् राष्ट्रिय गीत काठमाडौँको र नेपालको हुँदैन देशकै हुन्छ तो दोस्तों भिडियो देख के आप सभी को कैसा लगा क्या ये लोग सच में जनप्रतिनिधि कहलाने के लायक हैं क्या सच में ये लोग नेपाल के प्रति वफादार रह सकते हैं क्या सच में ये लोग नेपाल के लिए हर एक अपना सांस निछावर कर सकते हैं आप अपने दिल पे हाथ रख के ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि क्या नेपाल के डेवलपमेंट के लिए नेपाल के हित के लिए क्या ये लोग कभी सोच सकते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नेपाल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का धन्यवाद